स्टॉक मार्केट्स में बड़ा पैसा बन रहा है, स्टॉक मार्केट्स में तेजी आ गई है, ये सब सोच के आपको लग रहा होगा कि क्यों ना मैं स्टॉक मार्केट्स को एक फुल टाइम एक्टिविटी की तरह लूँ। आज इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट्स आपको एज अ फुल टाइम एक्टिविटी लेनी चाहिए या जस्ट एक पार्ट टाइम एक्टिविटी लेनी चाहिए, और इसका जो आंसर है ये हर एक इंसान के लिए अलग अलग होगा। आज पूरा विश्लेषण करेंगे, ए टू जेड जानेंगे कि आपको स्टॉक मार्केट्स में फुल टाइम अपना टाइम देना चाहिए, फुल टाइम करियर की तरह लेना चाहिए, या एक पार्ट टाइम की तरह लेकर भी आप उसमें से बहुत ज़्यादा रिटर्न्स निकाल सकते हैं। इसका आंसर जो है ये कोई ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर नहीं है, कोई MCQ टाइप का आंसर नहीं है कि बस एक ऑप्शन टिक कर लिया, पार्ट टाइम या फुल टाइम। अलग अलग इंसानों के लिए, अलग अलग प्रोफेशंस वाले, अलग अलग टाइम देने वाले, अलग अलग स्किल लेवल वाले, सबके लिए इसका जो उत्तर है ये डिफरेंट है। क्या आप एक बिगनर है, क्या आप एक इंटरमीडिएट ट्रेडर है, क्या आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर है, कितना साल आपको हो चुका है, कितना एक्सपीरियंस है, ये सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और एंड में वीडियो के आपको आपका उत्तर मिल जाएगा कि आपको कौन सा अप्रोच अपनाना है। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को एनेबल जरूर करिएगा, क्योंकि हम हर एक मंगलवार, शुक्रवार और रविवार को नया वीडियो लेकर के आते हैं इस चैनल पे। तो आइए शुरुआत करते हैं। मैं आपको 5 पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगा जिससे आपको पता चलेगा कि आपको पार्ट टाइम लेना है या फुल टाइम लेना है स्टॉक मार्केट का करियर। अब देखिए, शुरुआत करते हैं किसी बिगनर से, ठीक है, बिगनर्स के बारे में बात करते हैं। अगर आप एक बिगनर है तो सबसे पहली चीज जो मैं आपको 100% गारंटी से बताता हूं, आप इंटरेस्ट रखते हैं इंट्राडे में या फिर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग में, क्योंकि वो सुनकर ही आप स्टॉक मार्केट्स की तरफ आते हैं कि एक दिन में 5% बन गया, एक दिन में 10% बन गया, या फिर बस कुछ एक मिनट में ही स्कैल्पिंग किया और 5% बन गया, कुछ इस तरीके से अगर कोई सुनता है तो वो स्टॉक मार्केट्स की तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है। ठीक है, एक जनरल सी बात है और अंडरस्टूड है कि इस प्रकार से चीज़ होती है। लेकिन जो बिगिनर है उसको अगर, पहली बात तो ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। अगर ट्रेडिंग करता भी है वो इंसान तो फिर वो पार्ट टाइम नहीं कर सकता, क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसी स्किल है जिसको आपको फुल टाइम देना पड़ेगा। आप इंट्राडे करें, स्विंग ट्रेडिंग करें, जो भी ट्रेडिंग करें, आपको फुल टाइम ध्यान देना पड़ेगा उसके ऊपर। फिर चाहे आप आपके ऑफिस में बैठ के ही, आप लैपटॉप के ऊपर बैठे हैं या फिर कहीं और से ही बैठे हैं, लेकिन फुल टाइम समय, अटेंशन, सारी चीज़ें देनी पड़ेगी ट्रेडिंग को। लेकिन अगर आप एक इन्वेस्टर है, जो कि यूजुअली एक बिगनर ने रहना चाहिए, शुरुआत में आपने इन्वेस्टिंग ही करनी चाहिए कुछ 2-3 साल, उसके बाद आप ट्रेडिंग की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आप एक इन्वेस्टर है, मान लीजिए बिगनर हो या फिर एक्सपीरियंस्ड हो, तो फिर आप पार्ट टाइम पे भी काम चला सकते हैं। तो इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग दोनों चीज़ें अलग है। देखते हैं 5 पॉइंट्स जो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके पास कितना समय है, आप पार्ट टाइम करना चाहेंगे या फुल टाइम। पहला डिफरेंस जो है वो है ऑब्वियसली टाइम का, क्योंकि ट्रेडिंग जो है उसको आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, वो रहता कम टाइम के लिए है। मतलब ट्रेडिंग का जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड कम रहता है, लेकिन आपको उसको समय जो देना है वो फुल अटेंशन देना है, वो फुल समय देना है, क्योंकि आपको रन टाइम, लाइफ टाइम पे डिसीजन मेकिंग करनी है, जल्द से जल्द देखना है क्या हुआ, ऊपर नीचे गया क्या हुआ। अगर आप थोड़ा सा भी मिस कर देंगे तो फिर वो मौका आप छोड़ देंगे, राइट। लेकिन इन्वेस्टिंग में उल्टा है, अगर आपने शुरुआत में थोड़ा सा एक स्टडी कर लिया, थोड़ा सा टाइम दे दिया, स्टॉक्स पहचान लिए और आपने इन्वेस्टमेंट अगर कर दिया, तो फिर आपको उसको बार बार समय देने की ज़रूरत नहीं है। और इनफैक्ट अगर आप समय नहीं देते हैं तो वो और ज़्यादा अच्छा रहता है आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और उसको और ज़्यादा समय देना चालू करेंगे, रोज़ देखना चालू करेंगे और रोज़ सोचना चालू करेंगे उसके बारे में, तो फिर गड़बड़ हो सकती है। लेकिन अगर आपने समय ही नहीं दिया तो इन्वेस्टिंग के जो रिटर्न्स है, जो उसका फल आपको मिलेगा, वो और भी ज़्यादा मीठा आपको मिलेगा, राइट। तो अगर समय बहुत ज़्यादा है आपके पास तो ट्रेडिंग, और अगर समय कम है आपके पास, या कम समय देना है या ज़्यादा समय देना है, तो उस हिसाब से आप सोच सकते हैं। कम समय अगर देना है तो इन्वेस्टिंग आप करें। अगर आप बिगनर है तो ये चीज़ें तो भूल ही जाए कि कम समय है या ज़्यादा समय है, आपको देना है इन्वेस्टिंग को ही ज़्यादा से ज़्यादा टाइम।
अगर आप बिगनर है तो ट्रेडिंग को भूल जाए। देखिए एक्सपीरियंस से आपको समझ में आएगा कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। हो सकता है शुरुआत में आपको लगेगा कि यहाँ पर ज़्यादा फन है, यहाँ पर ज़्यादा मज़ा आ रहा है, ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये वो बहुत सारी चीज़ें हो रही है, एक्साइटमेंट है, लेकिन इन्वेस्टिंग ही है जो आपको बड़े रेस का घोड़ा बनाएगा, राइट। तो इन्वेस्टिंग के लिए कम समय लगता है। दूसरा पॉइंट इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग का जो डिफरेंस है वो ये है कि आपको स्किल्स कितनी सीखनी है या आपका स्किल लेवल पहले से कितना है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपका स्किल लेवल बहुत ज़्यादा रहना ज़रूरी है, लेकिन अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो आपका स्किल लेवल या फिर स्टॉक मार्केट का जो नॉलेज है वो थोड़ा कम भी रहा तो भी चलता है। और मैं तो कहता हूँ अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं और आपका नॉलेज कम है तो अच्छा है। ज़्यादा नॉलेज अगर रहेगा और कोई इन्वेस्टिंग करने जाएगा तो वो फिर से ज़्यादा अपना दिमाग लगाएगा उसमें और कुछ ना कुछ गड़बड़ करके बैठेगा। इसीलिए कम स्किल्स अगर है या कम स्किल्स सीख मतलब ज़्यादा स्किल्स नहीं सीखनी है तो फिर इन्वेस्टिंग, और ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स सीखनी है, बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, रोज़ मार्केट में रहना है, कितना ऊपर गया मार्केट, क्या हुआ न्यूज़, ये वो बहुत सारी स्किल्स अगर आपको चाहिए है तो फिर आप ट्रेडिंग में आइए। फिर से कहूँगा बिगनर्स के लिए नहीं है, बिगनर्स के लिए सिर्फ इन्वेस्टिंग है, फिर भी हम एनालिसिस कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट, ट्रेडिंग में आपको लगता है टेक्निकल एनालिसिस और इन्वेस्टिंग में आपको लगता है फंडामेंटल एनालिसिस। तो अगर आप टेक्निकल एनालिसिस में अच्छे हैं, मतलब चार्ट्स में चार्ट्स देखना, लैपटॉप के ऊपर बैठना, वो सारे जोन्स को समझना, बारीक बारीक कैंडल स्टिक्स रहती है, वो सब लाइंस निकालना, वो सब चीज़ें अगर मैं आपको इंटरेस्ट है, अगर लग रहा है कि हाँ ये चीज़ें मैं करता हूँ, या अगर आप लैपटॉप पे बैठे रहते हैं वैसे भी और जस्ट एक दूसरा विंडो खोल करके आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं तो फिर ट्रेडिंग में आइए। और ये सब चीज़ें, ये सब लैपटॉप वैपटॉप के झंझट में नहीं पड़ना है, स्क्रीन टाइम दिमाग ख़राब नहीं करना है, तो सीधा सीधा इन्वेस्टिंग कर दो, स्टॉक्स पकड़ो और इन्वेस्टमेंट कर दो। ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग करोगे, दिन भर बैठोगे लैपटॉप पे और स्क्रीन देखोगे तो ही बहुत रिटर्न्स बनेंगे, ऐसा बिल्कुल है नहीं। अगर आपने इन्वेस्टिंग भी सही स्टॉक्स में कर दी तो आपके ट्रेडिंग के रिटर्न्स को कभी भी पीछे छोड़ देगा, ठीक है। ये हुआ तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मार्केट आपका साथ नहीं देगा, लेकिन जब आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो मार्केट आपका साथ देगा। अब इसका क्या मतलब है? मार्केट आपका साथ इसलिए देगा क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं वो लंबे समय के लिए कर रहे हैं, और लंबे समय में मार्केट हमेशा ऊपर जाता है। लंबे समय में मार्केट हमेशा ऊपर जाता है, लंबे समय यानी कितना, 6 महीना, 1 साल नहीं, 3-4 साल से ऊपर का पीरियड आप पकड़ेंगे अगर, तो स्टॉक मार्केट हमेशा ही ऊपर ही जाएगा। 1-2 साल अगर पीछे रह गया है, अगर गिर गया है, फिर भी अगर आप 4 साल का पीरियड पकड़ेंगे तो ऊपर जाएगा। तो वैसे भी अगर मार्केट आपके साथ है, ऊपर जाने ही वाला है, तो क्यों ना इन्वेस्टिंग ही कर ले, क्यों ना पार्ट टाइम ही, क्योंकि इन्वेस्टिंग जैसे मैंने कहा पार्ट टाइम है, राइट, मतलब आप कर सकते हैं पार्ट टाइम भी, हमेशा उसको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ट्रेडिंग में मार्केट आपके साथ में नहीं है, इसलिए आपको ज़्यादा समय यहाँ पर देना पड़ता है, क्योंकि मार्केट का साथ आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। कम समय में मार्केट बहुत नीचे भी जा सकता है, बहुत ऊपर भी जा सकता है, तो मार्केट का सपोर्ट आपको नहीं है यहाँ पर, राइट। इसलिए अगर आपको ये पता करना है कि पार्ट टाइम करें या फुल टाइम यानी जो ट्रेडिंग है वहाँ पर मार्केट साथ नहीं दे रहा है, लेकिन पार्ट टाइम करेंगे और इन्वेस्टिंग करेंगे तो मार्केट आपके साथ है, ठीक है। अब आखिरी जो पॉइंट है, पांचवा पॉइंट, वो ये है कि अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो आपके साथ में टाइम भी जुड़ जाता है, समय, मतलब आपके दो दोस्त बन जाएंगे, मार्केट भी है आपके साथ में इन्वेस्टिंग में और समय भी आपके साथ है। और समय के साथ क्या आता है? पावर ऑफ कंपाउंडिंग, पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपके साथ आएगा यहाँ पर। लेकिन ट्रेडिंग अगर करेंगे तो आपको ज़्यादा समय देना है, लेकिन समय आपके पास कम है ट्रेडिंग करने के लिए, इसलिए समय कम है तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग को वो अट्रैक्ट नहीं करेगा, पावर ऑफ कंपाउंडिंग वहाँ पर नहीं आएगा। पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज द 7th wonder of the world, जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, 8th wonder of the world है, राइट। तो अगर 8th wonder of the world का साथ नहीं लेना है तो ट्रेडिंग यानी फुल टाइम जाओ, अगर पार्ट टाइम जा रहे हैं इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो फिर पावर ऑफ कंपाउंडिंग, मतलब दो दोस्त साथ में लेकर के चलोगे, एक रहेगा मार्केट और दूसरा रहेगा टाइम। और एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा, वो ये है कि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप प्रॉफिट्स कमाते हैं, छोटे मोटे प्रॉफिट्स आप कमाएंगे, राइट। आप फुल टाइम काम करेंगे लेकिन प्रॉफिट्स कमाएंगे, बड़ा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, छोटा प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट कमाना और वेल्थ कमाना इसमें बहुत फर्क है। वेल्थ आप कमाएंगे जब आप इन्वेस्टिंग करेंगे, वेल्थ बनेगा
पावर ऑफ कंपाउंडिंग के साथ में वेल्थ बनेगा। वेल्थ बनना और प्रॉफिट्स बनने में बहुत फर्क है। प्रॉफिट्स छोटा मोटा होता है, आज लिया खर्च कर दिया, ये जो भी चीज़ें चलती है, लेकिन वेल्थ जब बनता है तो वो बहुत बड़ा कॉर्पस आपको दिला करके देता है। तो वेल्थ अगर बनाना है इन्वेस्टिंग करो, पार्ट टाइम इन्वेस्टिंग भी करो तो भी चलेगा, फुल टाइम में आपको रहना पड़ेगा मार्केट में हमेशा, लेकिन आपको उतना ज़्यादा फायदा हो सकता है ना मिले। एंड में अगर आपको डिसाइड करना है कि आपने क्या करना चाहिए, तो मैं आपको एक सलाह दूंगा, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप पार्ट टाइम ही समझे, पार्ट टाइम में समझ लीजिए। पार्ट टाइम कितने दिनों तक करना है, तीन सालों तक तो पकड़ के चलिए, तीन साल, ढाई से तीन साल आपको पार्ट टाइम समझना है स्टॉक मार्केट को। फिर चाहे आज से स्टॉक मार्केट डबल ही क्यों ना हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन पार्ट टाइम में ही रहो, पूरा का पूरा टाइम देना जरूरी नहीं है। अगर आप खाली पीली हो, कुछ भी काम नहीं कर रहे हो, मतलब इफ यू नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स, फिर आप फुल टाइम दो, लेकिन जॉब छोड़ के, आपकी स्टडीज छोड़ के, आपका बाकी का इंपॉर्टेंट काम छोड़ के, आपका घर का बाकी का इधर उधर का काम छोड़ के अगर आप स्टॉक मार्केट्स के पीछे पड़ जा रहे हो और अगर आप बिगनर हो, तो वो बिल्कुल भी गलत है। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो फिर आप ट्रेडिंग में यानी फुल टाइम की तरफ आ सकते हैं। मतलब मान लीजिए अगर तीन साल हो चुके हैं और आपको पता चल चुका है कि हाँ मेरा हाथ बैठ गया है, ये फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग में मेरा हाथ बढ़ गया है, मुझे समझ में आ रहा है कि या मेरे लिए ये ट्रेडिंग भी बना हुआ है, ट्रेडिंग में मुझे स्विंग ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है या पोजिशनल ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है, या मुझे लग रहा है कि मैं स्कैल्पिंग बहुत ही अच्छे से कर रहा हूँ और मैंने कुछ महीनों तक ट्राई भी किया है और मुझे सक्सेस अगर मिला है उसमें, तो फिर मैं सोचूंगा कि क्यों ना मैं मेरा जॉब छोड़ दूँ, सब छोड़ दूँ, ये सब मुझे ज़्यादा पैसे यहाँ अगर यहाँ से नहीं मिल रहे हैं, तो क्यों ना मैं ट्रेडिंग में आ जाऊँ जो कि मेरे फुल टाइम एक्टिविटी रहेगा, और इस फुल टाइम एक्टिविटी से मैं मेरे जॉब से या मेरे बाकी के प्रोफेशन से या जो भी मैं इसको समय दे रहा हूँ उसको मैं जस्टिस कर पाऊँ। ये दिमाग आपको आएगा जब आप एटलीस्ट तीन साल बिताएंगे मार्केट में। आपको लग रहा होगा तीन साल क्यों, छः सात महीने में तो मैंने पिछले 15 महीने में पैसा डबल कर दिया है, ट्रिपल कर दिया है, लेकिन ये बहुत कम समय है। भले ही आपने पैसे डबल किए हो, ट्रिपल किए हो, लेकिन मार्केट का जो साइकिल है वो आपने अभी तक अधूरा ही देखा है। पूरा का पूरा साइकिल जो ऊपर जा करके नीचे आता है वो यूजुअली आप 3-4 साल में उसका एक्सपीरियंस ले लेते हैं, तो ऊपर का भी एक्सपीरियंस और नीचे का भी एक्सपीरियंस, दोनों भी एक्सपीरियंस जब आते हैं आपको, वो आएगा आपको 3-4 सालों में, तब आप कह सकते हैं कि आप एक्सपीरियंस्ड है अभी स्टॉक मार्केट्स में, फिर आप फुल टाइम की तरफ आ सकते हैं ट्रेडिंग में, या फिर फुल टाइम अगर आप इन्वेस्टिंग। लेकिन फुल टाइम इन्वेस्टिंग जो है वो इतना प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टिंग जो है वो आप बहुत हर दिन करने की कोशिश नहीं करेंगे, राइट? आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एक बड़ी अमाउंट करेंगे इन्वेस्ट, और एक अच्छे स्टॉक को चुनेंगे और उसमें डालेंगे, तो कुछ भी कह लो, लेकिन वो एक पार्ट टाइम ही काम रहेगा। क्योंकि इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हैं 5 सालों के लिए 4 सालों के लिए, तो हर रोज़ थोड़े ना आप मार्केट देखते रहोगे। अगर ITC के स्टॉक में डाल दिया तो हर रोज़ ITC का स्टॉक देख के क्या करोगे, उससे ज़्यादा ट्रेडिंग ही कर लो, है ना? तो इसीलिए अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो पार्ट टाइम, उसके बाद आप फुल टाइम जाकर के ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आप एक्सपीरियंस्ड है ऑलरेडी तो क्या करें, तो थोड़ा सा ट्राई करें, अगर आपको सक्सेस मिल रहा है यहाँ पर तो फिर आ जाए फुल टाइम, अगर नहीं मिल रहा है तो फिर कंटिन्यू करें। और मुझे तो लगता है अगर आप पार्ट टाइम भी करते हैं तो भी आपको अच्छे रिटर्न्स मिल जाएंगे। बुल साइकिल के वक्त लगेगा कि मुझे यार 20% ही मिला है, जबकि जो कोई ट्रेडिंग कर रहा था, फुल टाइम कर रहा था, उसको 40% मिल गया है। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस है तो आप खुद ही बेहतर जानते हैं कि जब लंबा समय आप पकड़ेंगे, पूरा एक 10 साल का पीरियड पकड़ेंगे, तो आपका पोर्टफोलियो और उसका पोर्टफोलियो जो है वो लगभग सेम ही रहेगा। फिर आपको समझेगा मेरा ही जो पोर्टफोलियो है वो बेटर है और मैंने समय भी कम दिया है। इसलिए दोस्तों शुरुआत करिए पार्ट टाइम से, कोई भी चीज़ को समझिए। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, 5 साल 10 साल एजुकेशन में लगाते हैं, उसके बाद में आप डिसीजन लेते हैं कि आपको कौन सा करियर चुनना है, तो क्यों स्टॉक मार्केट्स में ही आकर के पहले ही दिन पकड़ लेते हैं कि हमें फुल टाइम करना है और ये हमारा जॉब है, राइट? ऐसा मत करिए। शुरुआत में एक्सपीरियंस लीजिए कुछ सालों का, उसके बाद आप खुद डिसाइड कर सकते हैं पार्ट टाइम करना है या फुल टाइम करना है। फुल टाइम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नहीं रहने चाहिए लोग इंटरेस्टेड। तो दोस्तों ये हुई बात कि आपको स्टॉक मार्केट्स एज अ फुल टाइम करियर लेना चाहिए या पार्ट टाइम। अगर आपको वैल्यू एडिशन हुआ होगा इस एपिसोड से तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, फॉलो ज़रूर करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और जिससे यूट्यूब के एल्गोरिथम को पता चलता है कि आपको ये वीडियोस जो है पसंद आ रहे हैं। इसीलिए यूट्यूब अपने एल्गोरिथम में इन वीडियोस को ऊपर की तरफ रैंक करता है सर्चेज में, सो दैट मैक्सिमम लोगों तक हम पहुंच पाए। तो ज़रूर यूट्यूब के लिए एक लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब और एनेबल द बेल आइकन भी कर लीजिएगा। हर मंगलवार, शुक्रवार, रविवार को हम इस चैनल पे आते हैं नया वीडियो लेकर के। साथ ही में हमारा जो पॉडकास्ट है हिंदी का, उसको भी चेक करिए। क्रिप्टो करेंसीज में अगर इंटरेस्ट है तो इंग्लिश का चैनल है, साथ ही में
इंग्लिश का भी पॉडकास्ट आप रेफर कर सकते हैं, सारी लिंक्स दी गई है डिस्क्रिप्शन में। बहुत बहुत शुक्रिया आखिर तक सुनने के लिए, कि आपका कीमती समय देने के लिए, और मैं जल्द मिलूंगा आपसे। धन्यवाद।